हेलो गाइस, तो आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति हैंडमेक आर्ट्स में वेलकम है। तो यार दोस्तों, आज लेके आ गए हैं बच्चों की मनपसंद की चीज़ गुल्लक, बोले तो पिगी बैंक, जिसमें हम लोग भी बचपन में बहुत चाव से पैसे रखते थे। यार आजकल के बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन हमने बहुत रखे हैं उसमें। सो दोस्तों, अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चाक हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये है चकोंडा, पहले ये मिट्टी का होता था, अब सुविधाओं के लिए सब चेंज कर दिया, ये भी प्लास्टिक का रख लिया। तो यहाँ देख सकते हैं कि गोंदा ऑलरेडी सब कुछ जमा हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा करके इसको उठा दिया। मतलब दोस्तों सेम प्रोसेस होती है, पहले इसी तरीके से किया जाता है। गुल्लक में थोड़ा छोटा, मटके में बड़ा, चकोंडे में बड़ा, तो सब अपने मतलब हाइट के अकॉर्डिंग इसको ऊपर खींचा जाता है। तो अभी देख रहे हो कि अभी मैं हाथ निकालना इसमें से, तो ये देखो बिल्कुल एकदम इतना मस्त लग रहा है, अंदर से एकदम पूरा खाली है ये। और यहाँ से आप देखो एकदम इसको भरा जा रहा है, कोच भरी जा रही है इसमें। ये धीरे 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 इसको फुला दिया है। बाकी यार दोस्तों, अभी चाक पे आप ऐसा देख रहे हो, बाकी आप लोग देखते हो एकदम रेड रहता है या फिर और कलरफुल, तो यार दोस्तों वो ना बाद में सूखने के बाद, पकाने के बाद पेंट किया जाता है। बाकी जो जेन्युइनली बनता है चाक पे, वो यार मिट्टी का इसी प्रकार बनता है, इसी तरीके से बनता है। तो यार ये कितना केजी का होगा ये गुल्लक? तो दोस्तों ये वाला जो गुल्लक है ये हाफ के जी का है, मतलब इसमें भी साइजेस बनती है, 1 kg, हाफ के जी, 250 ग्राम, इस तरीके से बनते हैं दोस्तों। तो अभी जो इसकी जो ऊपर की टुप्पी है वो तैयार की जा रही है, आप देख सकते हो किस तरीके से इसको पैक किया जा रहा है, मतलब पूरा एकदम लिटरली बन के तैयार हो चुका है ये। और यार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार दोस्तों, सपोर्ट करो। तो यार दोस्तों देख सकते हो कि ये टुप्पी आप देख रहे हो जो कि तैयार हो चुकी है, किस तरीके से एकदम पिग्गी बैंक आप लोगों का तैयार हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से चाक भी बनता है। अभी शायद इस पर कुछ फ्रेशनेस लाई जाएगी पत्ती के ज़रिए, तो अभी आपको दिखाते हैं ये पत्ती। तो ये देखो पत्ती, इससे क्या दोस्तों ये फिनिशिंग, इसको फिनिशिंग बोलते हैं, ये फिनिशिंग लाई जाती है, क्योंकि लिटरली हमारी जो उंगलियां है वो उंगलियों से जो ये निशान रहते हैं ना दोस्तों, वो निशान ये पत्ती से बिल्कुल एकदम पूरा साफ़ हो जाता है और एकदम क्लीन हो जाता है, एकदम बहुत फिनिशिंग आ जाती है, एकदम फ्रेश लगता है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये हमारा चाक है, और मैं पिछली वीडियो में बता ही चुका था, ये छेना मैंने सबसे फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था जिससे इसे कट करते हैं, और ये हमारे गुल्लक रखे। एंड आप पीछे देख सकते हो कलर्स, तो नेक्स्ट वीडियो यही होगी कि कलर्स किस तरीके से तैयार किए जाते हैं चाक पे। एंड दोस्तों ये मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता ही दिया, इसको बोलते हैं चकोंडा, इसके अंदर रखा हुआ है मतलब मलवा मिट्टी का, और जो चाक गोंदे को बढ़ाने के लिए थोड़ी पानी की ज़रूरत होती है, वो इससे लिया जाता है। एंड दोस्तों हमारा का टॉपिक था वो था पिगी बैंक। सो गाइस, आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये पिगी बैंक है जो हमारा तैयार हो चुका है। अभी इसमें हम लोग इस पत्ती की हेल्प से ही, या फिर कुछ भी एक रुपए की हेल्प से, यहाँ से इसमें थोड़ा सा छेद कर देंगे, वो जो आप पैसे डालते हैं वो थोड़ा दोस्तों सूखने के बाद। और आप देखते हो जो कलरफुल वगैरह, वो दोस्तों हम किसी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वो सूखने के बाद का प्रोसेस है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।